इस वक्त की बड़ी खबर फिल्मी दुनिया से, जहां हर कोई हैरान है कि विवादों में रहने वाली पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर के चलते उनकी मौत हो चुकी है। महज 32 साल के अपने कैरियर में पूनम ने शोहरत की हर बुलंदियों को छुआ है और आज हर कोई व्यक्ति पूनम पांडे के नाम को जानता है। आपको बता दें कि पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा है कि यह सुबह हमारे लिए कठिन है, आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हमने सर्वाइकल कैंसर के कारण अपनी प्यारी पूनम को खो दिया है। फिलहाल इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही और यही बात को लेकर उनके फैंस काफी सदमे में हैं। सोशल मीडिया पर उनको लेकर दुख जाहिर किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूनम पांडे की मौत पर यकीन कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है कि एक्ट्रेस पूनम पांडे का निधन इतनी कम उम्र में सर्वाइकल के कैंसर की वजह से हो जाएगा। फिलहाल ये दुख भरी खबर फिल्मी दुनिया से कि पूनम पांडे हमारे बीच नहीं रही। बोल्ड मैच के चलते पूनम पांडे विवादों में आई थी और चर्चाओं में शामिल रही। आपको बता दें कि पूनम पांडे का एक ऐसा कैरियर है जिन्होंने सैम बॉम्बे से शादी की खूब सुर्खी बटोरी और यह शादी भी सभी के लिए एक सरप्राइज की तरह थी। हालांकि शादी टिक नहीं पाई। साल 2020 में उन्होंने अपनी शादी के तुरंत बाद पति सैम बॉम्बे पर घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया था। पूनम पांडे एक बेहद फेमस मॉडल थी। उनकी लोकप्रियता तब आसमान पर छू गई थी जब साल 2011 में क्रिकेट विश्व कप फाइनल में पहले एक वीडियो मैसेज में वादा किया कि अगर भारत फाइनल मैच जीतता है तो वह कपड़े उतार देंगी। अपने इसी दावे के साथ पहली बार वह विवादों में आई। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो पूनम पांडे को आखिरी बार कंगना रनौत के रियलिटी शो में देखा गया था। फिलहाल ये बड़ी खबर कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।